हाँ जी, तो इस लोकेशन को आप अच्छे से जानते होंगे भैया। ये है आकर्ष का घर, और हमारे साथ बैठे हैं अभी रितेश जी, और कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, तो हमने सोचा आज ब्लॉग बना लिया जाए, एक सीन लम्बे को रिकॉर्ड करना चाहिए। और बेसिकली ये ब्लॉग इसलिए कि काफ़ी टाइम से अपडेट मिला नहीं आप लोगों को लवलिन से रिलेटेड। तो भैया जी, बात ऐसा है कि 75% सूट ऑलमोस्ट डन है क्या? 75% एक सप्ताह पहले था। एक सप्ताह पहले मतलब अभी, और मतलब 85 कंप्लीट है सूट का काम। हाँ, मतलब बोला जाए तो 18 क्लिप और बचा हुआ है जो जो कि 1 वीक में खत्म हो जाएगा, देन स्टार्ट होगा काम। सूट का काम, उसके बाद अभी है डब करना, डब का काम, एडिटिंग का है, VFX, बहुत सारी चीजें। मतलब ये जो VFX आ रहा है, सोच लो VFX, समझ रहे हो, अब वो मार्बल ऊपर लेवल का काम है भाई, ऊपर लेवल का। और फिलहाल ऐसा सीन है कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी हो रहा है टाइम 11, और सब आज का टाइमिंग है, आउटडोर भी आज, इंडोर भी है, तो जो भी होगा सेट से रिलेटेड दिखाएंगे, सेट नहीं दिखाएंगे, हाँ सेट नहीं दिखाएंगे, फिर से सबसे मिलवाएंगे, इंट्रो देंगे, सब कुछ करेंगे, और ये ब्लॉग मिलकर होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहे हैं और मिलते हैं अभी नीचे। स्टार्ट हो जाता है, बट क्यों नहीं स्टार्ट होता है, एक्टर लोग हैं, एक्टर लोग लेट ना करें तो फिर मजा क्या, थोड़ा फुटेज खाते हैं ना एक्टर भाई, खासकर एक्टर जब फ्री वाले हो तो ज़्यादा फुटेज खाते हैं। तो भैया ऐसे ही मस्ती करेंगे अभी, और आप बने रहिए वीडियो के साथ ना, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना। तो भैया क्या करते हो? भैया लवलैन में काम करते हैं, और ये लवलैन क्या, तो भैया वेब सीरीज आ रही है अभी, आप देखिएगा जरूर और चैनल सब्सक्राइब करवा लेते हैं। गुस्सा वाला को रुक करके बोला है, देखो यहाँ आ रहा है आकर्ष सिन्हा, ठीक है, उसके चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना करो, बस हो जाना चाहिए, रेड बटन दब जाना चाहिए, और क्योंकि वीडियो उसी में आने वाली है, सबसे ज्यादा अपडेट भी उसी में आएगा, क्योंकि अभी शूट के चलते वो ब्लॉग नहीं आ पा रहा है उसका चैनल में, लेकिन 15 दिन बाद से कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। हाँ तो भैया जी अब स्टार्ट करते हैं जर्नी यहाँ की। हाँ तो भाई देख रहे हो, इतना सामान डेली लेके जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, आउटडोर शूट पे, और ये सारा गेटअप, ये तो भरा था यहाँ तक कूड़ा, मतलब दोनों गाड़ी में फुल हो जाता है। चलिए भैया तो चलते हैं, यहाँ से मिलते हैं लोकेशन पे। हाँ जी, तो काफ़ी लेट हो गया आज, और सूट का टाइम था 12, बट धीरे धीरे करते करते हो गया 2, और जा रहे हैं, अभी आउटडोर का सूट है, रेस्ट्रो वाला सीन, हाँ रेस्ट्रो, एक दो रेस्ट्रो का सीन है, तो अभी रेस्ट्रो के लिए जा रहे हैं, और भाई ने गाड़ी ले ली हमसे, बोले कि आप चलाते तो रोज हो, तो आज हम स्कूटी चला रहे हैं। देख रहे हो डेडिकेशन लेवल लड़के की, हाँ हाँ, वाह वाह, मेहनत करते हैं हमारे टीम वाले, मेहनत करते हैं, कहते हैं हमको प्यार से फिल्म वाले, क्या कहते हैं हमको प्यार से फिल्म वाले। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सेट पे, आज हमारा कोई रेस्टोरेंट में सूट है, अभी रेस्टोरेंट का तो नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि यार लोकेशन रिवील हो जाएगा, बाकी आप एक बार लोकेशन देखो, अभी हमने लाइट वाइट रेडी कर दिया, एक लाइट से हम लोग बाउंस दे रहे हैं और एक लाइट हमारा फेस में होगा, तो बाकी आज का लोकेशन ये है, अभी निमेश भैया आ रहे हैं, अरे बाकी क्रू लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका ही इंतजार था, आइए बस सर ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार हो रहा है भाई, देख रहे हो चाल ढाल गजब की, मतलब कमाल है मियां। हाय गाइस, सो हमने हैक कर लिया जायसवाल के चैनल को, एंड अभी हो रही है पीछे शूट, एवरीवन इज देयर, क्रू मेंबर सारे उधर है, एंड चेहरा देख के फीलिंग आ रही होगी कि कितने थके आ रहे हैं, बहुत, और इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब जिस दिन हम लोग को शूट करना होता है ना आउटडोर, उसी दिन वेदर ऐसा होता है, एंड आई डोंट नो व्हाई रांची इज लाइक 4 दिन से एकदम मस्त चुमेश्वरी वाली बारिश हो रही थी, और आज ऐसा वेदर है, तो जब जब हम लोग को आउटडोर शूट करना रहता है तब ऐसा होता है, एंड वहाँ पर सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरे शक्ल देख के भी ऐसा लग रहा होगा मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी लोग से मिलाते हैं, आ जाओ। हाय सोनू, आज का क्या हाल चाल है बताओ? बहुत बढ़िया भाई, शूट बहुत अच्छी हो रही है, और थोड़ा हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर आए हुए हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी है बहुत। टच भाई,
अजय तो सीन ऐसा है कि रेस्टो वाला कंप्लीट हो चुका है सीन, अभी हमारे आकाश का जस्ट घर पे बाकी कुछ मोन्टाजेस। हाँ, अब आगे जो है कहानी ऐसी है कि गली में कुछ शूट हो रहा है वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैकअप वैकअप करना था। अरे बहुत तगड़ा भाई, तभी एयर एशिया का फ्लाइट एकदम नीचे से गया, मजा आ गया समझा। तो गली में आए अभी शूट करने के लिए, अभी देखते हैं क्या शूट चल रहा है। भयानक मेहनत भाई, डीओपी बहुत मेहनत करते हो भाई तुम, मतलब मजा आ गया, समझ रहे हो। इसके अलावा कुछ करोगे? हाँ ये अपना है समझा, ये जीप के साथ रितेश पाठक, तेरा नाम क्या है भाई? अरे स्क्रीन में यहाँ देखते हैं, छोड़ दो तब जान दो। अच्छा हाँ अतीश, सोनू है ना सोनू ब्लॉग, एकेवी ब्लॉग, हाँ एकेवी ब्लॉग स्टार। अरे सोनू का भाई है इधर, आज फर्स्ट टाइम आए हो ना? हाँ बहुत अच्छा, या ब्रो, या ब्रो। डायरेक्टर सर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए एक बार। अपने उधर हैं, उधर दिखाना कोई मतलब है नहीं। ये है सॉन्टर, सॉन्टी ब्रो, सॉन्टी डार्लिंग। बताना चाहता, अपडेट देना चाहता था कि लव लैंड की 80-85% शूट कंप्लीट हो चुकी है और विद इन अ वीक खत्म हो जाएगा सब कुछ शूट वूट, एंड उसके बाद चलेगा डबिंग का काम, एडिटिंग का काम एंड VFX का काम। तो भाई अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे ये चीज़। तो भाई लिटरली मज़ेदार था, मतलब जब भी जाता हूँ मज़ा आता है इन लोगों के साथ में काम करने में, और जो डेडिकेशन लेवल है सबका वो एकदम हाई टॉप पर रहता है, मतलब सब एकदम सिंसियरली काम करते हैं, मज़ा आता है इन लोगों को देख के। तो डू फॉलो फिल्म फिल्म, यहाँ पे आईडी मेंशन है, देख लो जाके फॉलो इंस्टा पे, और दबा के एकदम ठोकर एकदम फॉलो करके रखो, क्योंकि अपडेट आपको और रील्स वगैरह उसी में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।